रोहिणी चाहती है कि ट्रिप पे हम तीनों साथ में जाएं, मैं, रोहिणी और हमारा आने वाला बेबी, एज अ फैमिली। एंड शी इज राइट आल्सो ना। हे, व्हाट हैपेंड? इसका मतलब तूने सेंसिटिव मैटर को डेलिकेटली हैंडल नहीं किया। मैंने डेलिकेटली हैंडल किया था, उसने ज्यादा डेलिकेटली हैंडल कर लिया। वाओ, हैं स्टनिंग ना यार, ये तो बहुत अच्छा है। कहाँ है? वेयर इज दिस? ले लद्दाख। माइंड ब्लोइंग बेबी, यहाँ की हवा क्रिस्प। एक बार इनहेल करो ना तो ऐसा 2-3 बार का ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ जाके पता चलता है कि एयर क्वालिटी क्या होती है। नॉट लाइक दिस डर्टी एयर क्वालिटी। या एक बार तो जाना बनता है, आई एम टेलिंग यू। हाँ तो चलेंगे ना। लिसन व्हाट आई एम सेइंग, ऑल दीस बॉयज ना, अपना मोहित, तुषार, अभी दे वर प्लानिंग, अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो हम लोग सोच रहे थे हम लोग लेह लद्दाख हो आते हैं। आई जस्ट किक इट ऑफ माय बकेट लिस्ट। व्हाट से? बट मुझे भी तो जाना है ना। ये तो दिस इज सो मच माय काइंड ऑफ प्लेस। हिल्स, माउंटेन्स, ठंड, टेरेन, आई लव इट। आई नो बेबी, पर तुम कैसे जाओगी? यू आर प्रेग्नेंट। एग्जैक्टली, बट हमेशा थोड़ी प्रेग्नेंट रहूंगी, तो डिलीवरी के बाद चलेंगे ना। अरे डिलीवरी के बाद छोटे से बच्चे को लेके लद्दाख थोड़ी जाएंगे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब जाएंगे, 3-4 मे बी 5 साल बाद। बेबी 5 साल बाद फिर से हो आएंगे ना? नहीं बेबी, तुम अभी जाके आओगे फिर तुम्हारा दोबारा मन नहीं करेगा। तुम्हारा तो हो जाएगा, हमारा रह जाएगा। बेबी दिस इज अ साइकिलिंग एक्सपेडिशन। हाँ तो अच्छा है ना, इस बहाने हम बेबी को साइकिल चलाना जल्दी सिखा देंगे। और मेरी बकेट लिस्ट का क्या? बेबी तुम्हारी बकेट लिस्ट और मेरी बकेट लिस्ट अलग अलग है क्या? अब मेरी बकेट लिस्ट पे आईफिल टावर जाना है, तो क्या मैं अकेली जाऊंगी? तुम चलोगे ना मेरे साथ? We'll go to Leh Ladakh together as a family. Okay? Okay. Okay, तो मुझे क्यों बुलाया? प्रॉब्लम क्या है? यार ये बात मैं तुझे बता सकता हूँ ना, बाकियों को नहीं। तूने देखा नहीं कैसे वो मोहित मुझे जजमेंट भरी निगाहों से देख रहा था? सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि रोहिणी ने मुझे जाने से मना किया। रोहिणी डोमिनेट्स मी एंड दे डोंट नीड टू नो दिस। तो तू सिर्फ इतना कर के मैं किसी तरह ट्रिप से निकल जाऊं और व्हाट्सएप पे मेरी इज्जत भी ना उछले। पर तेरी बकेट लिस्ट का क्या? अरे क्या तेरी क्या मेरी यार, बकेट लिस्ट तो हमारी है ना, मेरी और रोहिणी की। टुगेदर वी आर वन बकेट। शादी की है हमने, साथ फेरे लिए, 7 जन्मों का वादा है। 7 साल तो रुक ही सकता हूँ ना ट्रिप पे जाने के पहले, या 8 और मे बी 9। और क्या हो जाएगा यार, 10 साल बाद भी लद्दाख तो वहीं रहेगा ना, बड़ी सी चट्टान है, इट हैज टू गो नोवेयर। और एक बार बच्चा हो जाता है ना, 15 साल कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता यार। नई बकेट लिस्ट बना लूंगा, पूरी जिंदगी पड़ी है बकेट लिस्ट पूरी करने के लिए। बस कर यार, रुलाएगा क्या? ठीक है करते हैं कुछ। ओके कब करेगा टिकट? So now it's just a matter of time. जितना आराम करना है कर लो, जितना सोना है उतना सो लो। अब बहुत जल्दी तुम 2 से 3 होने वाले हो। I know. ले। Thank you so much. In a way it's a good thing यार। तू अभी ले लद्दाख नहीं आ रहा है, 5 साल के बाद तुम दोनों साथ में जाओगे। You can support each other. मैंने भी यही कहा था इससे, है ना? Yeah, you need a lot of stamina over there. Extreme climatic conditions, high altitude पे ना सांस बहुत फूलती है। 2 बार सांस लो तो 1 बार जितना ऑक्सीजन मिलता है, ऊपर से साइकिलिंग। साइकिलिंग, या आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हम दोनों को बहुत शौक है साइकिलिंग का, है ना बेबी? एब्सोल्युटली, हम लोगों ने सोचा है कि हम अपने बेबी को भी साइकिलिंग सिखा देंगे और फिर हम तीनों मिलके ले में साइकिलिंग करेंगे। हाउ क्यूट विल बी लुक। तुम लोगों का तो ठीक है, लेकिन बेबी कैसे साइकिल करेगा ले में यार? वहाँ बहुत ही ट्रेचरस टेरेन होता है, ऊपर से अपहिल राइडिंग। नहीं तो हम अपहिल नहीं करेंगे ना, हम रेगुलर प्लेन पे करेंगे। नहीं, आधे से ज्यादा टाइम तो कंधे पर साइकिल लेकर जाना पड़ता है यार। नहीं नहीं, इतना बुरा नहीं होता है। आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ हिल स्टेशंस। गाइस, आई डोंट वांट टू डीमोरलाइज यू, आई होप यू आर नॉट थिंकिंग इट्स लाइक महाबलेश्वर की थोड़ी साइकिलिंग की, स्ट्रॉबेरी क्रीम खाया और घर वापस आ गए। ऑफ कोर्स नॉट यार, 3 दिन तो एक्लिमेटाइजेशन में लगते हैं और 3 दिन रिकवरी में। वहाँ टेंट्स में रहना पड़ता है, स्लीपिंग बैग्स में सोना पड़ता है, इंसेक्ट्स होते हैं, ठंड होती है, ओपन एयर टॉयलेट्स। ये सब तो तुमने मुझे नहीं बताया था, तुमने तो फोटोज दिखाए थे, उसमें तो ये सब नहीं था। मे बी लैंडस्केप तो अच्छा है, टॉयलेट कैसा भी हो फोटो अच्छी आती है, ये सब बिहाइंड द सीन्स है। बट दिस डजंट साउंड लाइक अ चाइल्ड फ्रेंडली प्लेस टू मी।